अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू फिज़ा वेस्ट लाइफ डायरीज़। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी किचन से। और अभी है जी मॉर्निंग का टाइम और मैं किचन में आई थी, किचन गार्डन से आई थी। बेसिकली मैं कोरिएंडर हार्वेस्ट करके लेकर आई थी और मूलियाँ भी हार्वेस्ट करके लाई थी और एक टूट गई थी हार्वेस्ट करने के दौरान ही। तो इतना सारा कोरिएंडर मैं क्यों लेकर आई थी, क्योंकि मैं रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ और उसकी भी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियो। अच्छा, जो मैंने पिछले साल रमज़ान की तैयारी की थी ना, उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी, ताकि अगर आप अभी वाली वीडियो जब तक आती है तब तक आप वो देख लें, उससे कुछ टिप्स ले लें और आप भी अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रमज़ान में अफ्तारी पे जो टाइम हमारा लगता है ना, वो कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपनी इबादत को दे सकें। अच्छा जी, साथ में बन रहा है जी नाश्ता हस्बैंड के लिए। मैंने सूखी रोटी बना दी थी और मैं उनको साथ में दे दूँगी जी बटर, और गर्म गर्म रोटी पर मैं बटर इस तरीके से स्लाइस करके रख दूँगी। तब तक मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी, तब तक ये बटर मेल्ट हो जाएगा। अपना नाश्ते में मैं बना रही हूँ जी ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस, और आज मैं एग नहीं ले रही, मेरे पास आलू का बैटर बना हुआ था तो उसी के साथ मैं सैंडविचेस बना दूँगी। और ये देखें जी बटर मेल्ट हो गया, हस्बैंड ये खा लेंगे, मैं सैंडविचेस ये खा लूँगी आलू वाले, और साथ में मैं विदाउट शुगर चाय लूँगी और हस्बैंड की शुगर वाली होगी। तो ये है जी हमारा नाश्ता। नाश्ते के बाद मैंने कुछ काम करने थे, वेदर चेंज हो चुका है, इतनी ठंड नहीं रही, तो ये कंफर्टर जो है वो मैंने इसका कवर उतार के वॉश करना था और इस कंफर्टर को धूप लगवा के वापस रखना था अंदर। और अब इतनी ठंड है कि आप सिर्फ ब्लैंकेट में आपका गुजारा हो सकता है, आपको रज़ाई की या कंफर्टर की नीड नहीं होती। और इस वजह से फिर मैं जब बिल्कुल ठंड चली जाएगी तो फिर मैं कंबल भी वॉश करके रख दूँगी अंदर। अच्छा जी, अब आ गई थी जी किचन में मैं, कुछ गेस्ट आ रहे थे तो मैंने कुछ चीज़ें बनानी थी, तो मैंने कहा साथ साथ आपको भी रेसिपी दे देती हूँ। तो यहाँ पर जी बन रही है मैक्रोनीज। मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट किया, उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी। मेरे पास बोन्स वाली चिकन थी, तो आप चाहें तो बोनलेस चिकन डालें, वैसे मैक्रोनीज में बोनलेस चिकन ही डलती है, लेकिन मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं थी। अच्छा, आज मैं जितनी भी रेसिपीज़ बना रही हूँ ना, उनके लिए बोनलेस चिकन चाहिए थी और मेरे पास घर में बोन्स वाली ही चिकन थी अवेलेबल। तो फिर मैंने कहा जो चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम अपनी रेसिपीज़ को कम्प्लीट कर लेते हैं। हम किचन क्वींस हैं, हम कुछ भी चीज़ें पड़ी हो ना तो हम मिक्स एंड मैच करके हम कुछ भी बना सकते हैं। तो अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको काम आना चाहिए, तो फिर चीज़ें क्यों नहीं बनती, बिल्कुल बनती हैं। चलें जी, मैं आपको रेसिपी भी दे देती हूँ। जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा तो आपने अदरक लहसुन ऐड करना है, और उसके बाद आपने थोड़ा सी देर कवर करके रखना है ताकि चिकन 50% डन हो जाए। जब चिकन 50% डन हो जाएगा तो आपने इसमें सब्ज़ियाँ डाल देनी है, जिसमें मैंने गाजर और शिमला मिर्च डाली है। स्पाइसेस मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। सॉल्ट डालना है आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ब्लैक पेपर ऐड करनी है आपने, चिली सॉस, सोया सॉस, वाइट विनेगर, कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर कलर के लिए, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ स्पाइसेस के तौर पर, और चिकन टिक्का पाउडर भी। जब हमारी गाजर और शिमला मिर्च अच्छे से कुक हो गई है, चिकन भी हमारी कुक हो चुकी थी, फिर हमने एंड पर इसमें डाली है जी कैबेज। कैबेज आसानी से कुक हो जाती है, थोड़ी सी ही देर में ये कुक हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं डालूंगी जी मैक्रोनीज, जिसमें मैंने मटरों के साथ ही, जिसको मैंने बॉईल करके रख दिया था। यहाँ पर अब टाइम आ गया है कि मैं मैक्रोनीज ऐड करूँ। अच्छा, जब मैं चीज़ें ऐड करती जाती हूँ साथ साथ, वही सारे स्पाइसेस जिसमें काली मिर्च, चाट मसाला, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, सॉल्ट, यही 4-5 मसाले मैं यूज़ करती हूँ मैक्रोनीज बनाने के टाइम पे, वही फिर मैं साथ साथ ऐड करती जाती हूँ। तो अब मैंने मैक्रोनीज ऐड किए हैं, तो थोड़े से मैं ये सारे स्पाइसेस और डालूँगी अंदाजे से। अच्छे से हम इसको करेंगे जी मिक्स, और इस टाइम पे जो मेरा फ्लेम है वो बिल्कुल लो है, मिक्सिंग करनी है, सारी चीज़ें कुक हैं,
थोड़ी सी हम जो ये स्पाइसेस ऐड करें इनको पकने का टाइम देंगे, उसके बाद हमने एंड पे लेमन जूस ऐड करना है और इसको एक ज़बरदस्त सा टच देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी जी मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके। कोई भी चीज़ आपके पास है वो आपने इस तरीके से ऐड कर देनी है, ऑलिव्स ऐड करने। और इस टाइम पर मेरा स्टोव जो है बिल्कुल बंद है, यानी चूल्हा बंद है, और हम इसको भाप में ही पका लेंगे। मतलब हमने मेल्ट ही करनी है चीज़, तो इस तरीके से हल्की हल्की चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो बड़ा मज़े की ये बनेगी। जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको चीज़ी चीज़ी सा आएगा। और अच्छा जी, नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो है जी पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़। और इसके लिए भी मेरे पास चिकन बोन्स वाली ही थी, आप चाहे तो बोनलेस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चिकन टिक्का वाली मैरिनेशन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये किया है कि बोन्स वाली जो चिकन थी उसको अच्छे से डीप कट लगा लिए हैं। इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है, विनेगर ऐड किया है, चिकन टिक्का पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, लेमन जूस, अदरक लहसुन, पेपरिका पाउडर कलर के लिए। ये 5-6 चीज़ें अदरक लहसुन का पेस्ट या ग्रेट कर आपने डाल देनी है और हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद हम फ्राइज़ कट करेंगे और उनको जैसे फ्राइज़ बनाते हैं वैसे हम बना लेंगे। फिर हम एक पैन ले लेंगे, उसको अच्छे से ग्रीस करेंगे और ये चिकन रेडी हो गया। अच्छा, चिकन मैंने कैसे रेडी किया है? एक पैन लेना है आपने, उसमें हल्का सा ऑयल डालना है और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे ना कवर करके चिकन को पकने के लिए रख देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी चिकन रेडी हो जाएगी। आपने डीप फ्राई नहीं करना इसको, फिर वो काफ़ी हैवी हो जाएगी। अच्छा जी, पहली लेयर हमने लगाई है जी फ्राइज़ की, उसके बाद हमने चीज़ डाली है, मोज़रेला, चेडर है तो चेडर भी डाल दें, मेरे पास सिर्फ मोज़रेला थी। उसके ऊपर हमने चिकन रखी है और हमने उसके ऊपर डाली है जी पिज़्ज़ा सॉस, और उसके ऊपर फिर हम चीज़ डालेंगे क्योंकि ये है जी पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़। तो इसमें ढेर सारी आपने चीज़ ऐड करनी है, ठीक है जी। हर लेयर में आपने चीज़ ऐड करेंगे तो ये बड़े ही मज़े की आपको टेस्ट भी देगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप घर में जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे भी आप एक डिश रेडी कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आप ये लोडेड फ्राइज़ आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत नहीं है। मैंने ओवन को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट के लिए रख दिया था और उसके बाद 180 डिग्री पे अब मैं इसको 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक कर दूंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपने ये करना है कि सारी चीज़ें इस तरीके से रेडी कर लेनी है और आपने जो एंड का पार्ट है असेंबलिंग वाला, इसमें आपने कर लेना है जी एक पैन लेना है, उसको अच्छे से ग्रीस करना है फ्राइंग पैन, उसमें इस तरीके से लेयरिंग करनी है और उसको कवर करके रख देना है दम वाले फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जिस पे आप चावल दम देते हैं ना उस फ्लेम पे आपने रख देना है। इतनी देर आपने पकाना है कि आपकी चीज़ें तो सारी कुक हैं, बस चीज़ आपकी मेल्ट हो जाए। और एंड पर मैंने इस पे स्प्रिंग अनियन से इसको गार्निश कर दिया था। तो चलते हैं जी अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जो कि है जी मीठा। और मेरे पास कप केक्स पड़े हुए थे, मेरे पास फ्रूट केक नहीं था, तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी आज मैं आपको उन्हीं से ही कुकिंग करना सिखाऊंगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी कप केक्स पड़े हुए थे, मैंने उनको इस तरीके से लगाया और मैंगो कस्टर्ड बनाकर मिक्स सेवइयों के साथ मैंने मैंगो कस्टर्ड बना लिया था और ग्रीन कलर की कंट्रास्ट में मैंने जेली बना ली थी। मैंने तीनों कलर्स की जाली रखी हुई होती है और तीनों कलर के कस्टर्ड भी रखे हुए होते हैं, तो फिर इस तरीके से मैं उनको कंट्रास्ट कर लेती हूँ। तो जेली यहाँ पर हमारी हो गई थी जी डन, और अब हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे और फिर डेकोरेट करेंगे। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे हर नए आने वाला व्लॉग और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस एंड रेसिपीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, ठीक है जी। और आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा। और ये है जी हमारे कस्टर्ड की ओवरऑल लुक, देखें जी कितना मज़े का लग रहा है। क्रीम के साथ मैंने इसको डेकोरेट किया था और ऊपर मैंने जेली रख दी थी। तो इस तरीके से हमारी तीनों डिशेस मैक्रोनीस भी रेडी हो गई हैं, ट्राइफल भी रेडी हो गया है और पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़ भी रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने छोटी सी दावत अरेंज की थी गेस्ट जो आ रहे थे उनके लिए, और जो जो चीज़ें उनको पसंद थी मैंने वही सारी चीज़ें बनाई थी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।